हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूं घातांक और कर्णी, और घातांक और कर्णी में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कि रूट वाले जो सवाल होते हैं, जो केवल देखते ही जिनका आप आंसर बता सकते हैं स्टूडेंट, उन क्वेश्चंस को करने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगाना है, और क्वेश्चन देखना है और तुरंत आंसर लगा देना है। तो ऐसे सवाल जो कि रेलवे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और रेलवे के अलावा अगर और भी अदर एग्जाम में आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं, और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले मैं चाहूंगा स्टूडेंट जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंच सके। तो सवाल कुछ इस तरह से होते हैं स्टूडेंट, अगर यहां पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, पहले सवाल की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सवाल क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए रूट में कोई वैल्यू दे दे और 6 + 6 + 6 और कहां तक दे देता है, इन्फिनिटी तक। केवल ये सवाल नहीं, इस तरह के काफी सारे सवाल बन जाते हैं जो केवल देखते ही आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको दिया गया है कि √6 + √6 + √6 और कहां तक है, इन्फिनिटी तक है। बहुत ज्यादा देखा होगा इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अब सवाल करने का तरीका क्या है, करने का अगर तरीका पर जाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है। बट स्टूडेंट आपको क्या करना है कि अगर यहां पर 6 दिखाई दे रहा है और लगातार 6 ही दिखाई दे रहा है और कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, यानी कभी खत्म नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस 6 के आपको क्या करने होंगे, फैक्टर करने होंगे। इस 6 के आपको फैक्टर करने होंगे, कैसे फैक्टर करेंगे कि ऐसे नंबर्स में फैक्टर कीजिए जो कंजुगेटिव हैं, क्रमागत संख्या है, क्रम से आने वाली संख्याओं में इसके फैक्टर, इसके गुणनखंड करते हैं। तो 6 का हमने फैक्टर किया तो 3 × 6 3 और 2, क्रम से आने वाली संख्या 2 के बाद तुरंत 3 आता है, यानी कि इनका डिफरेंस 1 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, इनका डिफरेंस 1 बनना चाहिए। तो अब 3 × 2 हमने यहां पर कर लिया, तो अब क्या होगा, अब मान लीजिए यहां पर क्या ध्यान देना है, आपको प्लस दे रखा है, सभी जगह यहां पर प्लस दे रखा है। तो स्टूडेंट इसका सवाल क्या, इस सवाल का क्या आंसर रहेगा, इस सवाल का आंसर रहेगा स्टूडेंट 3 रहेगा, यानी कि बड़ी संख्या। क्या रहेगा आंसर, बड़ी संख्या कब रहेगा, जब यहां पर प्लस का साइन है। ठीक है, इसके अपोजिट अगर यहां पर प्लस के साइन की बजाय माइनस का साइन हो जाता, मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं 12 - 12 - 12 - 12 और कहां तक है, ये भी इंफिनिटिव तक है। ठीक है, इस तरीके से तब इसके फैक्टर करेंगे तो 4 × 3 में फैक्टर हो जाएंगे, 4 × 3 किसमें हो जाएंगे, 4 × 3। अब यहां पर माइनस दिया हुआ है तो स्टूडेंट तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तब इसका आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 क्या है यहां पर, छोटी संख्या। क्या हो जाएगा आंसर, 3 हो जाएगा, छोटी संख्या। और अगर यहां पर प्लस दिया गया होता तो आंसर लगाते 4, यानी कि बड़ी संख्या। समझ में आया आपको, पहले टाइप का ये सवाल समझ में आया कि यहां पर 6 + 6 + 6 + तो फैक्टर कीजिए, कंजुगेटिव नंबर में फैक्टर कीजिए, और फैक्टर करने के बाद ये देखिए कि साइन कौन सा है, अगर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आपका आंसर होगी, और अगर माइनस दिया हुआ है तो छोटी वाली संख्या यहां पर आपका आंसर रहेगी। तो ये तो हमारा टाइप 1 का सवाल, चलते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 का सवाल क्या है, ध्यान देंगे, टाइप 2 पर ध्यान देंगे, और टाइप 2 का जो सवाल है वो कुछ इस तरीके से होगा। ध्यान दीजिए, मान लीजिए 3 दिया गया और फिर भी 3 है और उसके बाद 3 है, और रूट में यहां पर वैल्यू दी गई है। क्या दी गई है, रूट में है ये सारे, यहां पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में है, और यहां पर भी साइन आगे लगा दिया इन्फिनेटिव। ठीक है, यहां पर आगे कहां तक जा रही है, वैल्यूज इन्फिनेटिव तक जा रही है, यानी कि कभी खत्म नहीं होंगी, है ना। अब ऐसी स्थिति में इसका आंसर क्या रहेगा, ईश्वर
अगर रूट में वैल्यू है, रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री कहां तक है, इंफिनिटी तक, तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा, ओनली थ्री इसका आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा, ओनली थ्री यहां पर आंसर रहेगा। आप कहेंगे कि लगातार तीन सवाल करवाए और तीनों सवालों का आंसर तीन है, तो एक इत्तेफाक ही है कि हर सवाल का आंसर तीन बन रहा है। तो रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री इन्फिनेटिव तक है, तो आंसर क्या रहेगा, थ्री। इसके अलावा अगर यहां पर मान लीजिए पांच दे दिया जाता और रूट केवल तीन ही बार दिया है, तीन बार दिया है लेकिन कहां तक है, इन्फिनिटी तक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, अब भी स्टूडेंट इसका आंसर क्या रहेगा, जो वैल्यू अंदर हमें दी गई है, यानी कि क्या आंसर रहेगा, पांच ही इसका सही आंसर रहेगा। चाहे रूट यहां पर तीन बार दिया जाए, चाहे चार बार दे, चाहे पांच बार दे, क्योंकि इन्फिनिटिव का मतलब क्या है, कभी खत्म नहीं होगी। तो तीन बार लिख दे या चार बार लिख दे, पांच बार लिख दे, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, वो तो इन्फिनिटिव तक जा रहा है, ठीक है। तो क्या आंसर रहेगा, पांच यहां पर आंसर रहेगा। अब इसी में ही एक टाइप ये बनती है कि अगर यहां पर इन्फिनिटिव हटा दिया जाए, अगर इन्फिनिटिव हटा दिया जाए, मान लीजिए पहला ही सवाल है हमारे पास, पहला ही सवाल है, कितने बार रूट है, तीन है पांच है, तीन है पांच बार, ठीक है, तीन है यहां पर पांच बार, लेकिन यहां पर इस बार मैंने इन्फिनिटिव नहीं लिया है। बगैर इन्फिनिटिव के अगर सवाल है तो ये क्या हो जाएगा, टाइप नंबर थ्री, ये क्या हो जाएगा, टाइप थ्री का सवाल, क्योंकि एक हमारा इन्फिनेटिव के साथ भी सवाल पूछा जाता है, एक अनफिनेटिव के बगैर भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसको करने का तरीका क्या रहेगा, तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे तीन, क्या रखेंगे, तीन, क्योंकि तीन तो यहां पर दिया ही गया है, बट ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर कितनी बार रूट है, एक दो तीन चार पांच, कितनी बार रूट है, पांच बार रूट दिया है, कितनी बार, पांच बार रूट दिया है। तो इस तीन की पावर क्या करेंगे, दो आप जानते हैं, दो, दो की पावर पांच कर लीजिए, क्या करेंगे, दो की पावर पांच कर लीजिए, दो की पावर पांच कितना होगा स्टूडेंट्स, दो की पावर पांच होगा दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस, कितना हो जाएगा, बत्तीस, और बत्तीस में से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा, तो इसकी जो तीन की पावर रखनी है वो ये वाला, तो इकतीस रखिए और बटे में जो दो की पावर पांच होगा वो कितना होगा, बत्तीस, क्या रखेंगे, बत्तीस। तो क्या आंसर हमारा रहेगा, इसका आंसर रहेगा कि तीन की पावर इकतीस बटे बत्तीस। सब ओरली कैलकुलेशन हो जाएगी, सब बोर्ड पे तो आपको समझाने के लिए बताना पड़ रहा है, बट ओरली कैलकुलेशन हो जाएगी, आप देखते ही इसका सवाल का आंसर बता देंगे। तो तीन की पावर इकतीस बटे बत्तीस कैसे आया, दो की पावर पांच बत्तीस बना, माइनस एक करेंगे तो इकतीस, और दो की पावर पांच बत्तीस होता है, इकतीस बटे बत्तीस। अब जैसे यही सवाल है, रूट पांच रूट पांच रूट पांच इन्फिनेटिव तक है, तो आंसर पांच रहेगा, और अगर इन्फिनेटिव ना हो तो स्टूडेंट तब इसका आंसर क्या रहेगा, समझिए इसको, पांच रखना ही है। कितनी बार रूट है यहां पर, तीन बार, एक दो तीन, तीन बार रूट है, दो की पावर तीन कितना होगा, दो की पावर तीन यहां पर होगा दो दुनी चार दुनी आठ, दो की पावर तीन कितना होगा, आठ, आठ में से एक कम करना है कितना होगा, सात, तो कितना हो गया, पांच की पावर सात बटे आठ, पांच की पावर सात बटे आठ, यहां पर हमें इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। तो समझ में आया आपको ये तीन टाइप के सवाल, चलते हैं चौथे टाइप पर, चलते हैं टाइप नंबर फोर पर। बहुत बेहतर क्लास है, बहुत बढ़िया क्लास है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। टाइप नंबर फोर पर आते हैं, टाइप फोर क्या कहता है, टाइप फोर कहता है सेवन प्लस फाइव सेवन माइनस फाइव प्लस सेवन माइनस फाइव और सेवन प्लस फाइव, ठीक है, इसको रूट में भी ले लीजिए आप। वो तरीके बता रहा हूं जहां क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व कर देंगे, एक बार जब आपकी प्रैक्टिस में बन जाएंगे तो फिर आपको समय नहीं लगना है। क्या करना है, क्या कर, तरीका क्या होता है इस करनी को सॉल्व करने का, रूट सेवन प्लस रूट फाइव रूट सेवन माइनस रूट फाइव अपोजिट साइन से यहां मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे, अपोजिट साइन से यहां मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे और फाइनली आंसर आपको मिलेगा। उसमें आपको वक्त लगेगा, कम से कम मैं मानता हूं एक से डेढ़ मिनट का समय आप वहां पर कम से कम लगाएंगे। लेकिन अगर आपको ये तरीका पता है जो मैं बताने जा रहा हूं, तो केवल क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर लगा देंगे कि सर जी इसका आंसर तो 12 है, 12 कैसे है, ध्यान देंगे यहां क्या वैल्यू रखी हुई है, सेवन, यहां क्या वैल्यू रखी गई है,
5 और यहां क्या साइन है प्लस, इन दोनों को प्लस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 12। कितना आंसर आ जाएगा 12। कोई भी वैल्यू यहां पर दे दी जाए, इवन 7 और 5 नहीं, 8 और 3 दे देगा 11 हो जाएगा, 9 और 6 दे देगा 15 हो जाएगा, 10 और 11 दे देगा 21 हो जाएगा। कोई भी वैल्यू दे दे यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। केवल सिंपल जो वैल्यू दी गई है 7 और 5 प्लस कर दीजिए 12, 7 5 प्लस कर दीजिए 12। समझ में आ रही है बात। और अगर सवाल में माइनस दे दिया जाए तो कुछ बच्चे कहेंगे सर जी जब प्लस किया है तो प्लस कर देंगे, माइनस दिया गया है तो माइनस कर देंगे। नहीं हुजूर, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर माइनस के साथ सवाल आता है, अगर यहां पर माइनस के साथ सवाल आता है तो ऐसा नहीं करना है। तब क्या करना है समझिए, क्वेश्चन हो जाता है हमारा पांचवे टाइप का, ठीक है, क्वेश्चन हो जाता है हमारा पांचवे टाइप का कि जब माइनस यहां पर दे दिया जाए तो क्या करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है ये भी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसकी, रूट सात की और रूट पांच की, रूट सात की रूट पांच की, तो कितना होगा रूट सात की रूट पांच की गुणा कर लीजिए और कर दीजिए उसका भी दो गुना। क्या कर देंगे उसका भी दो गुना, तो 7 5 35 दो रूट 35 हमें आंसर मिलेगा। जो भी चीजें मैंने बताई हैं सब लॉजिकली है, मैंने कोई वैसे ही फालतू की चीजें आपको नहीं बताई गई। स्टूडेंट हम एक फार्मूला जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब प्लस वाली कंडीशन आई थी तो हमने केवल फार्मूले को यहां तक अप्लाई किया था, रूट 7 स्क्वायर प्लस रूट 5 स्क्वायर, इसलिए मैंने बता दिया कि 7 और 5 को जोड़कर 12 लिख दो। लेकिन जब माइनस वाली कंडीशन आती है तो आपको इस फार्मूले के इस हिस्से को इस्तेमाल करना है, यानी कि रूट 7 गुणा रूट 5 उसका दो गुना, तो रूट 2√35 यहां पर आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारी इस क्लास के पांच टाइप के क्वेश्चन, रूट वाले सवाल। हालांकि अभी बहुत क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो क्लासेस भी लेकर आऊंगा, ठीक है। तो पांच टाइप के मैंने सवाल बताए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अगर ये पांच सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो यहां पर आपका शून्य समय लगना है, क्योंकि क्वेश्चन को देखते ही आपको उसका आंसर लगा देना है वहां पर, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर से करें, लाइक करेंगे शेयर करेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम और भी बेहतर क्लासेस आपके लिए लेकर आ पाएंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू।